अमेज़न बरसाती जंगल मुतनौवे और दिलकश जंगली हयात की एक वसी सफ का घर है, जिसमें कुछ ऐसे जानवर भी शामिल हैं जो अपनी शिकारी फितरत या जहरीले सलाहियतों की वजह से खतरनाक समझे जाते हैं। जीगुअर अमेरिका की सबसे बड़ी बड़ी बिल्ली के तौर पर जीगुअर जबरदस्त शिकारी हैं। उनके ताकतवर जबड़े होते हैं और वो हुनरमंद शिकारी होते हैं जो बड़े शिकार को मारने की सलाहियत रखते हैं। एनाकोंडा सबसे एनाकोंडा दुनिया में सांपों की सबसे बड़ी नस्ल है और अगरचे ये गैर जहरीला है, लेकिन ये नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत है और बड़े ममालिया समेत अपने शिकार को रोक सकता है और दम घट सकता है। पैराना मीठे पानी की ये बदनाम जमाना मछलियां अपने तेज दांतों की वजह से मशहूर हैं। और शदीद भूख अगरचे वो जारहाना शिकारियों के मुकाबले में ज्यादा सफाई करने वाले होते हैं, लेकिन वो तकलीफ का काटने को पहुंचा सकते हैं और जब खुराक की कमी हो तो बड़े गिरोहों में हमला कर सकते हैं। अलीकतरक एयल अमेज़न नदी के तास में पाई जाने वाली अलीकतरक एयल अपने शिकार को दंभ करने या मारने के लिए ताकतवर बर्फी झटके पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। अगरचे ये आमतौर पर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते, लेकिन उनके झटके मुमकिन तौर पर जानलेवा हो सकते हैं। बिलिट चींटी दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ का कीड़े का जनक समझा जाता है। गोली चींटी एक बड़ी चींटी की नस्ल है जो अमेज़न के जंगलात में पाई जाती है। किसी का जनक मारना गोली लगने के एहसास के तौर पर बयान किया गया है, इसलिए उसे ये नाम दिया गया है। पॉइज़न डार्ट मेंढक अमेज़न बारिश के जंगल में जहरीले मेंढकों की कई कस्में आबाद हैं। वो अपने मुतहर्रिक रंगों के लिए मशहूर हैं, जो शिकारियों के लिए इंतबाह का काम करते हैं कि वो इंतहाई जहरीले हैं। इन मेंढकों को छूना या पीना जान लेवा साबित हो सकता है। बुशमास्टर सांप बुशमास्टर अमेरिका के सबसे तवील जहरीले सांपों में से एक है। उसका जहर इंतहाई ताकतवर है और टिश्यूज को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका फौरी इलाज ना किया जाए तो फालिज या मौत भी हो सकती है। ब्लैक कैमन मगरमच्छ की ये बड़ी नस्ल अमेज़न बेसन में पाई जाती है और अपनी जारहाना नौयत के लिए मशहूर है। उसकी लंबाई 20 फीट तक बढ़ सकती है और इसके ताकतवर जबड़े होते हैं जो उसे पानी में एक खतरनाक शिकारी बना देता है। ये नोट करना जरूरी है कि अगरचे ये जानवर खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके कुदरती रहाइश गाहों में बगैर किसी रुकावट के छोड़ दिया जाए तो वो आमतौर पर इंसानों के लिए कोई खास खतरा नहीं बनते। अगर आप अमेज़न या किसी दूसरे जंगली हयात से माला माल इलाके का दौरा करने का इरादा रखते हैं, तो ये हमेशा मशवरा दिया जाता है कि एहतियात बरते, जानवरों की जगह का एहतराम करें और मकामी माहिरीन और रहनुमा की रहनुमाई पर अमल करें।